नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब गेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनकम टैक्स की बड़ी भर्ती के बारे में। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय की दोस्तों ये बड़ी भर्ती होने जा रही है और इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे जो इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर की जाती है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट सबसे पहले दी जाती है। आज की भर्ती के लिए दोस्तों आप इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 10वीं पास, 12वीं पास या ग्रेजुएट हैं तो इस भर्ती के लिए दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज की इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और आइए बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती होनी जा रही है इनकम टैक्स में दोस्तों, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय के दोस्तों ये भर्ती होनी जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दोस्तों ये बड़ी भर्ती होनी जा रही है। दोस्तों, यदि आपका सपना है इनकम टैक्स में नौकरी करने का तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। दोस्तों, आप इंडिया में कहीं से भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा वैकेंसी डिटेल्स की बात है तो इसमें भर्ती होने जा रही है MTS की यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ की, टैक्स असिस्टेंट की तथा इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास या ग्रेजुएशन। दोस्तों, ज़्यादा सैलरी की बात है तो आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। MTS वालों को यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ का पे स्केल होगा 5,200 से लेकर 20,200 प्लस ग्रेड पे 1,800 रुपये। इसी प्रकार दोस्तों, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए पे स्केल है 5,200 से लेकर 20,200 प्लस ग्रेड पे 2,400 रुपये और इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए दोस्तों पे स्केल है 9,300 से लेकर 34,800 प्लस ग्रेड पे 4,600 रुपये। दोस्तों, इस भर्ती में ज़्यादा सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा दोस्तों, और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों, जहाँ तक ICY यानी कि एज लिमिट की बात है इस भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए, इसमें 18 साल से 25 साल तक आयु सीमा है, एज लिमिट है दोस्तों जहाँ तक। और जहाँ तक दोस्तों अपर एज रिलैक्सेशन की बात है तो एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स दिया जाएगा दोस्तों, इसका डिटेल मैं आपको नोटिफिकेशन से बताऊंगा। दोस्तों, इस भर्ती के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है 17 जनवरी 2021। इस भर्ती से रिलेटेड आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जी हाँ दोस्तों, ये राज भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती होनी जा रही है दोस्तों इनकम टैक्स में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में दोस्तों स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती होनी जा रही है। इस भर्ती में जहाँ तक आयु सीमा यानी कि एज लिमिट की बात है तो इसमें 18 साल से 25 साल तक आयु होनी चाहिए दोस्तों, एज होनी चाहिए। इसके लिए क्रूशल डेट है 1/4/2020, यानी कि 1/4/2020 के हिसाब से आपकी एज की गणना की जाएगी। कैंडिडेट का जन्म 1/4/1995 से पहले नहीं होना चाहिए दोस्तों और 31 मार्च 2002 के बाद नहीं होना चाहिए दोस्तों। जहाँ तक अपर एज रिलैक्सेशन की बात है तो OBC को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा दोस्तों, SC ST को 10 साल का और 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा इन द केस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन विद एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स। दोस्तों, इस भर्ती में जहाँ तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है तो इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए तथा टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास दोस्तों बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए। और MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए या इसके बराबर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास। दोस्तों, जहाँ तक स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है तो इसमें कैलेंडर ईयर 2020-2019 तथा 2018 और 2017 एप्लीकेबल है दोस्तों। इन सालों में दोस्तों यदि आपने पार्टिसिपेट कर रखा है दोस्तों गेम्स में एज पर नोटिफिकेशन तो ही आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, इस भर्ती में स्पोर्ट्स के नाम इस प्रकार से हैं दोस्तों। पहले स्पोर्ट्स का नाम है एथलेटिक्स मैन एंड वुमेन, दूसरा है दोस्तों बास्केटबॉल, तीसरा है क्रिकेट, चौथा है फुटबॉल, पांचवा है हॉकी, छठवा है दोस्तों कबड्डी, सातवां है वॉलीबॉल, आठवां है टेबल टेनिस और नाइन्थ नंबर का दोस्तों शटल बैडमिंटन, दसवां दोस्तों कैरम, ग्यारहवा है कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज, बारहवा है लॉन टेनिस, तेरहवा है दोस्तों बॉडी बिल्डिंग। तो टोटल इसमें 34 वैकेंसी है दोस्तों। ज़्यादा वैकेंसी वेरिफिकेशन की बात है तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की 12 वैकेंसी है दोस्तों, टैक्स असिस्टेंट की 16 वैकेंसी है तथा MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ की 10 वैकेंसी है। इसका डिटेल आप यहां से दोस्तों देख सकते हैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 1 में दोस्तों इसका डिटेल दे रखा है।
दोस्तों, इस भर्ती का लोकेशन चेन्नई है और इसके लिए वेबसाइट है https://www.incometaxindia.gov.in है दोस्तों। इस पे जाके आप इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं दोस्तों। और इस भर्ती के नोटिफिकेशन का लिंक दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रखा है, आप लिंक ओपन करके पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सौ डिटेल इस भर्ती का, और इन केस आप इस भर्ती में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जनरल कंडीशन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।